नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने एक डेटा एक्सपोर्ट किया था इन सीएसवी। इस वीडियो में अगर हम लोगों को अगर वही जो भी हमारा डेटा है, अगर हमें वो एक्सपोर्ट करना है दूसरे फॉर्मेट में या दूसरे एक्सटेंशन में, तो वो कैसे करेंगे, तो हमें उसके लिए कुछ नहीं करना। जो हमने पिछला वीडियो जो हमने कवर किया था, उसमें एक व्यू बनाया था, ठीक है, उसमें हम लोग ने ये व्यू बनाया था एक्सपोर्ट एग्ज़ाम्पल का। तो इसमें हम लोगों ने एक ये पेज बना दिया जिसमें व्यू बन गया, और हमने अगर इस एक्सपोर्ट की फंक्शनलिटी यूज़ करनी थी तो हमने यहाँ पर जाके एक्सपोर्ट का किया था। अभी ये सीएसवी का बना हुआ है, तो हम लोग इसमें चेंज ना करके, क्योंकि ये कभी भी यूज़ हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर सीएसवी में चाहिए तो हम फिर से नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बार फिर जाके क्लिक करना है एक्सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम इसका जो नाम देने वाले हैं वो आएगा हमारा XLS, ठीक है। XLS में इसको हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं XLS, ठीक है, और हम लोग जब सेलेक्ट करने वाले हैं वो है हमारा XLS फाइल, ठीक है। आप TXT में भी कर सकते हो, डॉक फाइल भी कर सकते हो, और XML फाइल भी कर सकते हो। हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं XLS, ठीक है। तो यहाँ पर जब अप्लाई करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रोवाइड एज ए फाइल और उसका नाम, जो भी व्यू का नाम है, और इसका डॉट XLS ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई कर दीजिए। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करेंगे वो हमारा यहाँ पर डेटा एक्सपोर्ट की सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम इसको फाइल देंगे, फाइल का जो हम पाथ देंगे, पाथ का नाम हम लोग वही एक्सपोर्ट XLS कर देंगे, ठीक है। अप्लाई, अटैच टू पेज, ठीक। बैच वाला ऑप्शन वही है जो पिछले वीडियो मैंने कवर किया था, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा अभी यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, तो हम केवल ये यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड है तो आप बैच में इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके का, ठीक है। अभी इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, और अपने उसी पेज पे चलते हैं और व्यू देखते हैं। ये देखिए, एक दूसरी बटन यहाँ पर हमारी आ गई है XLS, ठीक है। तो हम लोग उसको करेंगे और देखेंगे डाउनलोड करके कौन सा फॉर्मेट आया हमारे पास। तो ये CSV वहाँ बंद कर देते हैं। ये हमारा पर X जो हमने भी डाउनलोड किया एक्सपोर्ट प्लस XLS का जो फाइल है वो ये है, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से अगर देख लेते हैं कि अपने इसमें चलते हैं और एक्सपोर्ट डेटा में चलते हैं। बाय चांस आपको अगर एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं XLS फाइल में, तो अगर आपको इसमें एक और फील्ड हम लोग ऐड कर देते हैं पब्लिश, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम सेलेक्ट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, बाकी सब डिफ़ॉल्ट रखते हैं। तो इसमें एक और फील्ड बढ़ जाएगी पब्लिश, सेव कर दिया। दोस्तों, जो आप अगर उस पेज में जाके, व्यू में जाके अगर आप डाउनलोड, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका XLS निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखिए डाउनलोड हो गया, ये देखिए, ठीक है। CSV है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा पास पब्लिश का जो हमारा ऑप्शन जो हमने बढ़ाया था वो ये आ गया है, ठीक है। ये पब्लिश का ऑप्शन अभी हमने ऐड किया, ठीक है, इससे पिछला नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर, यहाँ से भी हम डायरेक्ट इसी तरीके CSV में भी ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट CSV, इस पर क्लिक करेंगे तो आप CSV आप डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव। यहाँ पर अभी आपको, आप ही जब यहाँ आपको डाउनलोड करोगे तो आपको 10 ही रिकॉर्ड देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे तो हमारे यहाँ पर लिमिट यहाँ पर सेट है, ठीक है। तो उसको हम लोग करते हैं डिस्प्ले ऑल आइटम, सप्लाई, सेव, बैक टू अपना पेज एंड गो टू व्यू, ठीक है। यहाँ पर जो आपने XLS के लिए जो एग्ज़ाम्पल बनाया वो यहाँ टाइटल आ गया, और जब इस पर क्लिक करोगे आप तो ये आपका XLS फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल आ गई, ओके। ये देखिए आपका पूरा रिकॉर्ड 203 या 4 जितने भी हो, तो वो आपका यहाँ पर आ गया रिकॉर्ड पूरा, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि अपने ड्रूपल का जो डेटाबेस है, एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी कैसे अपने ड्रूपल के प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई अगर इशू आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट छोड़िए, ठीक है।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं ड्रूपल के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।